तो भाई साहब कल्कि का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड ये ट्रेलर कितना ज्यादा ऑसम है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिस सिंपली डजंट फील्स लाइक इंडियन सिनेमा। ओ वेट अ सेकंड, इंडियन सिनेमा जस्ट लेवल्ड अप थैंक्स टू नाग अश्विन। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा मैं। इस ट्रेलर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस ट्रेलर में दिखे गए एक्शन सीक्वेंसेस के ग्लिम्प्स एक नंबर। भैरव और अश्वत्थामा के बीच की फाइट भाई साहब देख के मजा आ गया। ये पूरी फाइट देखने के लिए मैं जितना एक्साइटेड हूँ तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से ग्लिम्प्स देखने को मिले ना अंदर से हाइप कर रहे हैं भाई कि अब आगे क्या होगा, इस फाइट में आगे क्या होगा। इसके बाद इस ट्रेलर के विजुअल्स एक नंबर और साथ ही साथ इस ट्रेलर का म्यूजिक पीक सिनेमा भाई, पीक सिनेमा। मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ कि नागाशिन भैया आपने 600 करोड़ की पिक्चर बना कैसे दी, वो भी ऐसी मूवी जिसकी इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो। भाई आराम से 200 से 250 करोड़ इस मूवी में एक्टर्स की फीस में गए होंगे और रिमेनिंग बजट में ये मूवी बनी है, सेट्स और वीएफएक्स सब कुछ मिला के, और फिर डायरेक्टर की फीस और क्रू वगैरह में जितना खर्च आया, लोकेशंस का अलग, कैसे हाउ, इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल कि इतने लिमिटेड बजट में इतनी बढ़िया पिक्चर, क्योंकि एक एक फ्रेम को नेल किया है, ट्रेलर से साफ दिखता है भाई। जिन जिन लोगों ने आदि पुरुष की वजह से प्रभास की कल्कि को ट्रोल किया था ये ट्रेलर उनके मुंह पे एक तमाचे से कम नहीं है। इस मूवी पर मैंने और न जाने कितने प्रभास के फैंस ने और न जाने कितने सिनेमा के फैंस ने इस मूवी पर होप जताई रखी थी कि काश ये मूवी इंडियन सिनेमा के बाउंड्रीज को पुश करे एंड नाग अश्विन जस्ट डिलीवर्ड इट। इसके ट्रेलर की मैं तारीफ किए जा रहा हूँ पता नहीं क्यों, पर पता है मुझे क्यों तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेलर सच में काफी अच्छा था। अब मैं इस ट्रेलर की इतनी तारीफ जरूर कर रहा हूँ पर मुझे एक चीज जरूर कंसर्निंग लगी इस पूरे ट्रेलर में, वो ये है कि इस मूवी में इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो उनके स्क्रीन टाइम को मैनेज करना किसी बड़ी प्रॉब्लम से कम नहीं होगा, और वो भी तब जब आपको एक पूरा डिस्टोपियन वर्ल्ड एक मूवी के अंदर एक्सप्लोर करके दिखाना है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट और एक बिल्कुल ही अलग डिस्टोपियन वर्ल्ड एक ही मूवी में कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, कैसे ही एक्सप्लोर करोगे दोनों ही चीजों को, स्क्रीन टाइम कैसे बैलेंस होगा। और ये चीज मुझे इतनी ज्यादा कंसर्निंग इसलिए लग रही है क्योंकि ट्रेलर में इसका डिसबैलेंस साफ दिखता है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर प्रभास जो कि अपने मूवी के मेन लीड है उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट अश्वत्थामा के बराबर ही है उनका इस ट्रेलर के अंदर स्क्रीन टाइम। हालांकि ये चीज अभी के लिए कंसर्निंग नहीं है क्योंकि ट्रेलर में जितना कम हमें वो भैरवा के बारे में बताएंगे मूवी में उतना ज्यादा इफेक्टिव और उतना ज्यादा इंप्रेसिव भैरवा का कैरेक्टर हमें लगेगा, तो अभी के लिए ये चीज कंसर्निंग नहीं है। बट अगर मूवी में भी ऐसा होता है कि स्क्रीन टाइम प्रभास की थोड़ी कम रह जाती है तो दिक्कत हो जाएगी भाई, दिक्कत बड़ी हो जाएगी। खैर ये जो हमारा कंसर्न है ट्रेलर को देख के हम जज नहीं कर सकते, क्या पता मूवी में हमें कुछ और ही देखने को मिले, तो अभी के लिए होपफुल रहते हैं। कुल मिलाके कहूं तो डिस्टोपियन मूवी बनाना किसी बच्चे का खेल बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टोपियन वर्ल्ड में बेसिक से बेसिक चीजें हमारे आज के वर्ल्ड से बहुत ज्यादा डिफरेंट और फ्यूचरिस्टिक होगी, तो किसी भी डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर को उन सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हजार ऐसी चीजें हो सकती हैं किसी भी डिस्टोपियन मूवी में जो गलत जा सकती हैं। मूवी के सेट्स, छोटी छोटी डिटेल्स, कैरेक्टर के आउटफिट्स, उनके डायलॉग, उनके बोलने का तरीका, लोकेशंस और न जाने कितनी अनगिनत चीजें हैं जो गलत जा सकती हैं। बट लुक्स लाइक नाग अश्विन हैड अ परफेक्ट प्लान फॉर एवरीथिंग। बाकी इस ट्रेलर के विजुअल्स को देख के हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये मूवी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वीएफएक्स वर्क्स में से एक होगी। इससे पहले 2022 में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र मूवी ने इंडियन सिनेमा के लिए वीएफएक्स का बार बहुत ऊपर खींच दिया था एंड इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि वो बार अब बहुत जल्द टूटने वाला है और कल्कि मूवी उसे टॉप करेगी। क्योंकि भाई तुम इस फ्रेम को देखो जरा एक सेकंड, जस्ट टेक अ पॉज एंड लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटीफुल भाई। जिस लेवल का वीएफएक्स हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है उसका बस ये एक एग्जांपल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विजुअल्स तो अपनी जगह ठीक है लेकिन इस ट्रेलर का एक्शन सीक्वेंस अलग ध्यान खींच रहा है। मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूवी के अंदर हमें कुछ खास एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन होगा बट उतना ज्यादा नहीं क्योंकि पहली मूवी है कल्कि यूनिवर्स की, इनको अपना यूनिवर्स एस्टेब्लिश करना है, पर नाग अश्विन ने पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया। एक्शन सीक्वेंसेस की कमी नहीं होगी और जो अश्वत्थामा और भैरवा के बीच का फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि भाई तुम अश्वत्थामा की लैंडिंग देखो, दिस लुक्स अमेजिंग भाई, इतना कूल है ये, देखो जरा। और साथ ही इन्हीं ग्लिम्स के बीच में अगर तुमने नोटिस किया हो तो भैरवा का कैरेक्टर एक बड़ी सी जंजीर या चेन पकड़े हुए है और उससे अश्वत्थामा पर अटैक करता है। मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एक्शन सीक्वेंस को देखने के लिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एंड मोस्ट प्रोबेबली भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हमें इंटरवल में देखने को मिल सकती है, जाहिर सी बात है, और मूवी की एंड फाइट को लेकर कोई भी रिवील ट्रेलर में नहीं किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा प्रभास का ये वाला शॉट भी पहले से बहुत ज्यादा कूल और बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि यही सेम शॉट हमने पिछले साल ग्लिम्प्स में भी देखा था और अब देख के साफ पता चल रहा है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है पूरे वीएफएक्स वर्क में मूवी के। और ट्रेलर के एंड में कमल हसन का ये लुक,
काफी शानदार लग रहा है, काफी डेडली लग रहा है। और तुम मुझे सिर्फ एक रीजन दे दो, खाली एक रीजन दे दो कि क्यों इस मूवी को 1500 करोड़ नहीं जाना चाहिए। 100 reasons है मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के, और होनी भी चाहिए। खैर बहुत सारी बातें हैं इस मूवी से रिलेटेड बात करने के लिए, और मैं बहुत जल्द इस मूवी के हिडन डिटेल्स और पॉसिबल थ्योरीज पे वीडियोस बनाऊंगा, तो तुम उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।